हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में कैसे कैसे ड्राइंग करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखा देखिए क्वेश्चन, यहाँ टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू है। अर्थात ये क्वेश्चन होता है जी, अर्थात ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। जो आइसोमेट्रिक वो प्रोजेक्शन होता है, मतलब वो ड्राइंग या वो, हाँ वो ड्राइंग होते हैं जिसमें वो इस प्लेन है, प्लेन में उसे छापा जाता है तो एक 2D में दिखता है, 2 डायमेंशन। मतलब ये सारा लॉ, इसका चौड़ाई और लंबाई तो दिख रहा है परंतु तो थिकनेस है या मोटाई है वो दिख नहीं रहा है। तो उसी को बनाने के लिए हम लोग एक इसे आर्थो आइसोमेट्रिक है, उसको आर्थोग्राफी में बनाए। तो यही को जब फ्रंट टॉप से देखने पर वो प्रोजेक्शन ऐसा दिखता है तो, और साइड से, और साइड सामने से देखने पर या फ्रंट से देखने पर ऐसा दिखता है, और साइड से जैसा बाजू से देखने पर वैसा दिखता है, ऐसा पता। तो इसको बनाने के लिए यहाँ आइसोमेट्रिक है, इसको बनाने ऑर्थोग्राफी में बनाया गया था, मतलब 3D पेंटिंग या 3D पेंटिंग बनाया गया, जिसका थिकनेस भी हमको दिखाना है। तो इसके लिए हमें एक क्वेश्चन है, देख लें यहाँ दिखा 24 का दिया है डायमीटर, यहाँ 24 24 और इधर कहते हैं 24 भी दिया है, इधर भी 24 है, इधर भी इधर 16 16, अर्थात ये 16 है ये, ठीक, और ये 24, ठीक, साइड व्यू से देखने पर 24। इसको क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, तो यही क्वेश्चन को हम लोग अभी बना रहे हैं, तो देखते हैं। यहाँ ऑर्थोग्राफी से आइसोमेट्रिक बनाने के लिए सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं या MD, MD सब तो सर्वप्रथम कस लेते हैं ठीक से। उसके बाद एच पेंसिल से लाइन खींचते हैं। मैं तो वीडियो बनाने के लिए HP का यूज कर रहा हूँ, बट एच पेंसिल यूज करते हैं। सिंपली एक ऐसा लाइन खींच लेते हैं, और ये एक नियम है जिसमें कोई भी कहीं एक बिंदु टिक कर लेते हैं। बिंदु टिक करने के बाद चांदा या प्र की सहायता से 30 अंक का इधर लेते हैं, 30 अंक का कौन, 30 अंक का इधर लेते हैं, क्योंकि आइसोग्राफी बनाने के लिए 30 अंक का लेना अनिवार्य होता है, तभी वह 3D में हम लोग आसानी से बना पाएंगे। ये एक मापदंड है एक प्रकार से माना जाए तो, ऐसे और इधर 30 अंक का इधर भी खींच लेंगे, ठीक खींच लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर पता था, यहाँ पर देखें, यहाँ पर टॉप व्यू से ऐसे दिखने पर, साइड व्यू से ऐसे दिखने पर, अब हम बनाते हैं। देखो टॉप व्यू से 16 सेंटीमीटर का ऊपर था, 16 फर्स्ट में 16 देखते हैं ना। क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, आप क्वेश्चन इधर 16 है, इधर देखो 16 कहाँ है, 16 ये 16 है, अर्थात तो साइड व्यू में देखने पर ये 16 प्रतीत होता है। तो इसके 16 सेंटीमीटर ऊपर लेते हैं, पहले 16 सेंटीमीटर, ये 15 और ये 16, 16 को ऊपर लेते हैं, और ये चौड़ाई 16 का ये है, ठीक, और उस तरह से चौड़ाई वो कितना है। देखो यहाँ पर 24 का चौड़ाई दिया गया है, 24 का चौड़ाई, जो चौड़ाई है वो जैसे ये सीढ़ी है, उसको चौड़ाई जैसे दिया गया है, देखना क्या बनता है उसका। इसका पहला लेंगे उसको फिक्स, MD को तब पहला रख देते हैं, इसके चौड़ाई, ठीक, और फिर यहाँ से इसके पहला लेते हैं, ये कितना है, कितना सेंटीमीटर लंबा है। देखो यहाँ पर 104 सेंटीमीटर का लंबा बताया, लेकिन 24 सेंटीमीटर इधर ले रहे हैं, 24 इधर 24 छोड़ना पड़ेगा, 24 छोड़ना पड़ेगा ना, इधर 24 छोड़ना पड़ेगा, 104 मीटर का है तो इसे 24 छोड़ना पड़ेगा, 24 में 4 तो 80 सेंटीमीटर आगे ले जाते हैं, ठीक है, 80 सेंटीमीटर, ये देखो इधर से आ गया 80 में, ठीक, इसका पहला ले लेते हैं और ये 80 का, फिर और इसको फिर मिला लेते हैं विथ इसके परपेंडिकुलर, ठीक, इसको भी मिला लिए इसके परपेंडिकुलर, तो देखो अब ये इधर गया, अब यही मतलब इसके पहला कितना 24 लिए हैं, तो 24 इसके पहला और एक लेते हैं आसानी से, तो 24, फिर इसका 16 सेंटीमीटर ऊपर है, देखो यहाँ पर 16 सेंटीमीटर फिर ऊपर है, 16 16, ठीक, तो 16 ले रहे हैं, साइड व्यू से भी देख ले, 16 है, ये भी 16 ये भी 16, तो 16 फिर ऊपर ले जाएंगे इसका पहला, सोलह सेंटीमीटर और इसके पहला, ये देखें फिर यहाँ पर 16 फिर 2 है, ठीक, अब 16 में यहाँ पर 24 का फिर ले जाएंगे, 24 का क्योंकि साइड देखने पर ये दिख रहा है, ये देखो 16, ये 24 है, ये 24 है, ये 24, तो 24 ले रहा है, ठीक,
इसका पहला मैं सब पहला लाइन ही लिखना, और इसको अपना पेपर को अच्छे से कसना पड़ता है, हिल जाएगा तो ड्राइंग बिगड़ सकता है। इसलिए फिर 16 और इधर फिर ले जाते हैं 24। ठीक, ये हमारा डायग्राम यहाँ से बन गया। ठीक, इसको मिला लेते हैं। ये इसका पैलर होगा, ये यही वाला लाइन का पैलर होगा, और ये लाइन को भी ऐसे मिला लेते हैं। ठीक, और इसको भी ठीक से ऐसे, अब ये तो बन गया। ठीक, अब ये बना है, और ये कितना दिया है देखना, इसको लास्ट वाला है वो 48 का दिया है, 48, तो 48 ऊपर ले जाना पड़ेगा इसके पैलर। ठीक, इसके पैलर 48, और ये चौड़ाई कितना है इसका देखना ना, इसका चौड़ाई कितना है, ये कितना है देखना, ये कितना है इसका 72 दिया, तो यहाँ से 72 ले लेते हैं, 72। अब इसका पहला लेंगे, इसको भी 72। तो क्या थ्री डी बना रहा है, तो इधर इसका पैरल फिर करके MD फिक्स करेंगे पैरल, और फिर इतना 48 दिए हैं, 48 ऊपर ले जाते हैं। ठीक, अब ये ऊपर तो ले जाएगा, अब करना क्या है, ये बन गया। अब ये 16 का इधर है, 16 का ये भी 16, तो हमें साइड को देखना तो पड़ेगा, 16 का ये, 16 का वो, और फिर ऊपर साइड व्यू में वो तो जा रहे हैं 16, फिर और इधर से टॉप व्यू में भी देख लो। ठीक, तो इधर 16 है, और एक ये वाला तो लाइन एक और बचेगा ना, ऊपर से देखने पर, टॉप व्यू से देखने पर ऊपर एक कॉर्नर बच रहा है, जिसका 24 का ये भी है, और ये 24 भी है, 24, और ये भी वो नीचे में आएगा, वो भी 24 है। इधर ये टोटल 104 है, 104 में देख लेते हैं, इधर 104, और ये देखो ये आ गया। अब इसको इसका पहला कितना लेंगे, कितना ये 48 का है, तो 48 सेंटीमीटर इसका पहला ले लेंगे रूलर की सहायता से, या इंजी, ये टोटल 48, तो यहाँ पास ये 48 ऊपर ले गए। ठीक, और 48 ले गए, अब देखते हैं 48 ले गए ना, ये 24 का कॉर्नर है, ये 24 का, ठीक है, तो 24 का ये डायमीटर देते हैं, 24 लिया है, इसके पहला ले गए ना, इसके पहले ये लाइन का पहला, ये थोड़ा सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया था, थोड़ा पहला नहीं है इसलिए थोड़ा मिस्टेक, इसके पैलर 24 लेना पड़ेगा। हाँ, तो ये देखो, ये एक गया, दो, तीन, चार, और ये 48। ठीक, ये मिल गया 48 हमको। अब क्या है, ये बोला गया है कि ये शॉर्ट व्यू 12 का इधर है, फ्रंट व्यू से देखने पर, सापेक्ष दृष्टि से देखने पर देखो 24 इधर है, और इधर 16 है, ऊपर का 16 है, ऊपर से हमको मतलब नहीं, पहले तो देख लेते हैं कि 24, और ये 24 को ऊपर भी है, ये 24 का, ठीक है, उसको देखने बनाने के लिए हम लोग अब पुनः इसका पहला एक लाइन लेते हैं 104, इसका पहला एक लाइन, या इसका पहला एक ही मतलब है, ठीक, के पहला 104 सेंटीमीटर का लाइन लेंगे, इसको पहले जोड़ देते हैं पहले। ठीक, अब ये है 104, इधर भी 104 सेंटीमीटर का एक लंबा लाइन लेंगे 104, और इसको ऐसे मिला लेंगे दोनों कॉर्नर को, ये इसके पैलर होगा, ये इसके पैलर होगा। ठीक, और ये अपना बन गया, मतलब ये ऐसे, और
ये टोटल 24 होगा, तो इसका पहला है 24, यहाँ पहला पैर होगा किस हाथ से लेते हैं, ये 24 24 सेंटीमीटर का है, गिवन गैप है, तो ये 48 होना चाहिए टोटल, तो यहाँ पास 20 है, मतलब एक दो और ये तीन, ये चार, ये टोटल 48, ठीक 48। अब इसके पहला लेके ये 48 है, ठीक ये 48 है, देख लेना, 24 है वो, सॉरी 24 है, 24 ये देखो 24 है। अब इसको इसका पहला लेग लाइन ऐसे फिर करेंगे, इसके पहला एक लाइन कितना कितना लेना है इसको, 24 24 बचाना है, इधर 24 बताना है टोटल कितना, ये 48 है, तो 24 एकदम 24 24 दूनी 48, मतलब 24 लेना है, 72 है, 72 में 24 से बचाना है, ठीक 72 में इधर 72 में उधर 24 बचाना है, हाँ चलो 72 में 24 बचाना है, तो ले जाते हैं ये देखो इतना दूर, ठीक, और एक लाइन इधर, इसके पहला एक लाइन इधर लेते हैं ऐसे, और ये टोटल कितना, मतलब ये मतलब 24 इधर गया और ये 104 है, तो 104 ले दे टोटल, 104 में 104 में 24 घटाएंगे तो 80, तो 80 से ले लेते हैं तुरंत 80 से, ठीक ये देखो, और इसको फिर मिला लेंगे, हमें यह 3D डायग्राम प्राप्त हो गया आर्थोग्राफी से आइसोमेट्रिक। देखो ये तो देखो साइड से देखने पर हमको ये अलग दिखेगा, साइड से देखने पर हमको इसको और मिला लेते, देखो साइड से देखने पर हमें ये सीढ़ी है देखो बनाया क्या गया था, और इधर एक और इसको भी मिला लेते हैं, हाँ देखो ये इसमें यही यही डायम कॉम को इस कर बना, कई लग कई मैंने कई क्वेश्चन में ऐसे देखा कि आइसोमेट्रिक को देगा, देखिए ये देगा और आपको ये बनाने बोलेगा, और ये देगा तो आपको ये बनाने बोलेगा, तो यहाँ पर देखा दिया गया है कि 24 का यहाँ पर हम लोग डायमीटर लिए, 24 का ये गया है, ये पूरा 24 का गया है, ठीक इसको और मिला लेते हैं, सॉरी थोड़ा सिंपल है बट थोड़ा नज़र और थोड़ा दिमाग को काल्पनिक बनाना पड़ेगा। देखो टॉप से देखने पर ऐसा देखो ये भाग दिखेगा और ये टॉप से देखने पर आपको ये दिखेगा, ये पोर्शन पूरा दिखेगा और ये पोर्शन और ये एक पोर्शन दो तीन, यहाँ पर तीन पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन और ये एक दो और तीन, तीनों पोर्शन यहाँ पर दिख रहे टॉप से, और साइड से देखने पर देखो यहाँ साइड व्यू है, साइड व्यू तो साइड व्यू में ये और ये दिखेगा, तो साइड व्यू में ये फर्स्ट और ये दिखेगा, बस साइड व्यू से ऐसे दिख रहे इधर से देख रहे हैं इधर से, तो हमको ये बस दिखेगा और ये दिखेगा, और इधर से देखा फ्रंट व्यू से देख रहे हैं ये दिखेगा और ये दिखेगा और ये दिखेगा ये और ये नहीं दिखेगा ये भी नहीं, क्योंकि साइड व्यू 3D ऑब्जेक्ट है इधर, मतलब इसका 90° एंगल से देखेंगे तो फर्स्ट हमें ये दिखेगा और ये तो यहाँ पर देख कलर आपको कर देते हैं, ठीक आपको समझने के लिए, देखो ऐसा ये बनेगा, ये ऐसा ये है, ठीक और ये ऐसा ये, ठीक अब इधर से हम लोग देखेंगे तो ये दिखेगा और ये दिखेगा और ये फ्रंट व्यू से देखने पर ये दिखेगा ये, क्योंकि ऑब्जेक्ट खड़ा है किसी वस्तु पर खड़ा है, तो यह आइसोमेट्रिक है, तो मेरे टोटल है। थैंक यू और लाइक शेयर सब्सक्राइब, फर्स्ट वीडियो है और मैं खुद स्टूडेंट हूँ और बता रहा हूँ अभी।